हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर रेसिपी वीडियो। पनीर की डिशेस वेजिटेरियन फूड में बहुत पसंद की जाती हैं। अनकाउंटेबल है इसकी रेसिपीज़, स्नैक्स, डेजर्ट या फिर मेन कोर्स में कहीं भी कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। बट आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 5 डिलीशियस पनीर रेसिपीज़ जिन्हें आप कभी भी बना के तारीफ लूट सकते हैं। सो, पहली रेसिपी है ब्लैक पेपर पनीर। उसके लिए एक बर्तन में 2 टेबलस्पून के अराउंड ऑयल डालेंगे, जो भी ऑयल आप यूज़ करते हैं आप ले सकते हैं। उसके बाद डाली है मैंने इसमें दालचीनी, 2-3 लौंग डाले हैं, 4 से 5 छोटी इलायची, तेज पत्ता डाला है और ढेर सारी काली मिर्च, क्योंकि काली मिर्च का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छे से आना चाहिए। थोड़ा सा इसको सॉटे कर लेंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे कटा हुआ अनियन, उसको भी हम 4 से 5 मिनट तक अच्छे से रोस्ट होने देंगे, जब तक हल्का ब्राउन ना हो जाए। थोड़ी सी मैंने इसमें डाल दी है हरी मिर्च और साथ ही इसमें डाल देंगे सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। इसको अच्छे से भून लेंगे और ठंडा होने के बाद इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो अब ये ठंडा हो गया था, उसके बाद मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा दूध, क्योंकि जो ग्रेवी हम इसकी बनाएंगे वो पानी के बजाय दूध से बनाएंगे। उसके बाद मैंने इसमें डाला है जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर। अच्छे से इनको मिक्स करने के बाद साथ ही इसमें डाल दिया मैंने 2 चम्मच काजू पाउडर। इससे ग्रेवी बहुत थिक हो जाएगी और बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। उसके बाद डाल देंगे पनीर के कटे हुए पीसेस, इसको अच्छे से उबाला आने देंगे और आप देखेंगे कि जैसे ही इसको उबाला आने लगेगा ग्रेवी कितनी थिक हो जाएगी और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही होती है इसमें से। उसके बाद इसमें डाल देंगे क्रीम, या आपके घर पर अगर क्रीम नहीं है तो आप मलाई भी डाल सकते हैं फेंट के। उसके बाद मैंने डाल दी है इसमें कसूरी मेथी। कसूरी मेथी किसी भी डिश का स्वाद और खुशबू दोनों बढ़ा देती है। मेरे घर में व्हाइट ग्रेवी डिशेस बहुत पसंद की जाती हैं, आप भी ट्राई कीजिएगा, आई होप आपको भी पसंद आएगी। नेक्स्ट रेसिपी है पनीर 2 प्याज़ा। इस डिश को बनाने के लिए कुछ चॉपिंग हमें करनी पड़ेगी, तो उसके लिए मैंने ग्रीन और रेड शिमला मिर्च को क्यूब्स में काट लिया है। टमाटोज भी ऐसे ही काट लिए हैं, उनके सीड्स निकाल दिए हैं। साथ ही अनियंस को भी सेम वे में काटा है और जुलियंस में काट लिया है जिंजर और ग्रीन चिलीज को। उसके बाद एक पैन में 1 बड़ा चम्मच तेल डाला है और पनीर के पीसेस डाल दिए हैं काट के। इनको हम फ्राई करेंगे, डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ, शैलो फ्राई करेंगे। हल्का सा ब्राउन हो जाए उसके बाद इसको निकाल लेंगे। आप चाहें तो बिना फ्राई किए भी पनीर ऐड कर सकते हैं, पर इससे टेस्ट थोड़ा बढ़ जाता है, इसलिए ये कर रही हूं। पनीर को निकाल लेने के बाद उसी पैन में मैंने डाल दिया है 1 चम्मच देसी घी और साथ ही अब डाल देंगे सारी सब्जियां जो हमने पहले से काट के रखी हैं। सबसे पहले मैंने प्याज डाला है, उसके बाद टमाटर डाल दिए हैं, ग्रीन और रेड शिमला मिर्च डाल दी है, जुलियंस में कटा हुआ अदरक और हरी मिर्च भी डाल दी है। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद 4 से 5 मिनट तक लो फ्लेम पे हम इसको कवर करके पकाएंगे। इन सब्जियों को बहुत ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं होती है, थोड़ा सा इनमें कच्चापन रहे यानी कि क्रिस्पी हो थोड़ी तो ज्यादा अच्छी लगती है। तो बस इनको 5 मिनट पकाने के बाद डाल देंगे सीजनिंग, सॉल्ट डाला है, टर्मरिक पाउडर डाला है, थोड़ी सी रेड चिली डाली है क्योंकि मैं पहले ग्रीन चिली डाल चुकी हूँ, धनिया पाउडर डाला है और जीरा पाउडर डाला है। अब इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे और उसके बाद डाल देंगे पनीर जो हमने पहले से फ्राई करके रखा है। पनीर को भी इन सब्जी के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे और उसके बाद डाल देंगे 2 टेबलस्पून के अराउंड टोमेटो केचप। बहुत ही जल्दी बनने वाली डिश है ये। हल्का सा मैंने पानी डाला है इसमें ताकि सारे मसाले और सब्जियां आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं, और कवर करके 1 से 1.5 मिनट मैंने इसको और पका लिया है। और उसके बाद डाल देंगे इसमें हरा धनिया, आप चाहें तो यहाँ पे भी कसूरी मेथी ऐड कर सकते हैं, और उसके बाद निकाल लेंगे इसको सर्विंग बाउल में और पनीर 2 प्याज़ा रेडी है। बहुत ही जल्दी बनती है, ट्राई जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट रेसिपी है मटर पनीर। तो सबसे पहले वही एक बर्तन में डालेंगे 2 टेबलस्पून के अराउंड ऑयल, 4 से 5 मैंने छोटी इलायची डाली है, दालचीनी डाली है और 1 चम्मच डाल दिया है जीरा। उसके बाद डाल देंगे कटा हुआ प्याज, इसको हल्का ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे और उसके बाद इसमें डाल देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, अच्छे से ये रोस्ट हो जाए। उसके बाद डाला है धनिया पाउडर, सॉल्ट डाला है, टर्मरिक पाउडर डाला है, रेड चिली पाउडर डाला है। अब इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इसमें डाल देंगे कटे हुए टमाटर। इंग्रेडिएंट्स वही होते हैं लेकिन बनाने का तरीका थोड़ा चेंज करने से उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। तो थोड़ा सा इसमें पानी डालने के बाद मैंने इसको कवर कर दिया है, टमाटर के गलने तक हम इसको अच्छे से पकाएंगे। चलिए अब मटर रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास फ्रोजन मटर है जो मैंने 1.5 कप के अराउंड लिया है और उनको बिल्कुल गर्म गर्म पानी में डिप कर दिया है ताकि थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। तड़का चेक कर लेते हैं। तो टमाटर अभी कुछ गल तो गए हैं लेकिन इसको थोड़ी देर हम और पकाएंगे ताकि ये और अच्छे से गल जाएं। मटर में से एक बार पानी मैंने निकाल दिया था, अब दोबारा से मैंने इसमें गर्म पानी डाला है ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। क्योंकि ये फ्रोजन पीस है तो इन्हें प्रेशर कुकर में पकाने की कोई जरूरत नहीं होती है, ये इजीली ऐसे ही गल जाते हैं। तो अब काट लेते हैं पनीर। तो पनीर को मैं यहाँ पे ट्रायंगल शेप में काट रही हूँ, आप चाहे तो कोई भी शेप दे सकते हैं, पनीर की शेप से ज्यादा उसका टेस्ट मैटर करता है। और
और उतनी देर में हमारे टमाटर भी बहुत अच्छे से गल चुके हैं। आप देख सकते हैं एक तरह से इसका पेस्ट ही बन चुका है, लेकिन फिर भी एक बार इसको ठंडा करके हम अच्छे से इसका ग्राइंडर जार में पेस्ट बनाएंगे कि मटर पनीर के लिए एक अच्छी सी ग्रेवी हम रेडी कर सकें। तो इसे ग्राइंडर जार में मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। अब डाल देंगे इसमें मटर। आप देख सकते हैं मटर अच्छे से गल चुके हैं। अगर आपके पास फ्रेश मटर है तो आप प्रेशर कुकर में एक सीटी उसको दिला सकते हैं। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर और किचन किंग। पानी ऐड करूंगी मैं, जितनी कंसिस्टेंसी आपको इसकी चाहिए उतना पानी आप ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1.5 ग्लास के अराउंड पानी ऐड किया है। अब इसको उबाला आने तक अच्छे से पकाएंगे और साथ ही डाल देंगे हम पनीर के पीसेस। इसके बाद 1 से 1.5 मिनट तक हम इसको पकाएंगे और उसके बाद इसमें डाल देंगे क्रीम। अगर आपके पास क्रीम है तो क्रीम डाल सकते हैं, नहीं तो मलाई डाल सकते हैं 2 चम्मच, और उसके बाद इसको मिक्स कर देंगे। तो बहुत ही अच्छा टेक्स्चर आया है मटर पनीर का। गार्निश करें हरा धनिया के साथ। उसके बाद सर्विंग बाउल में निकाल के दोबारा से 1 चम्मच क्रीम के साथ आप डेकोरेट कर सकते हैं। राइस के साथ खाएं, नान के साथ खाएं या फिर चपाती के साथ। 4th रेसिपी है स्मोकी पनीर, जिसे हम अंगार पनीर भी कहते हैं। इस डिश को हम बनाएंगे देसी घी में। तो यहाँ पे 1 चम्मच के अराउंड मैंने देसी घी लिया है और पनीर को डाल दिया है। उसी तरह से हम इसको शैलो फ्राई करेंगे जिस तरह से हमने पनीर 2 प्याजा के लिए शैलो फ्राई किया था। और ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहे तो रॉ पनीर भी ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद उसी पैन में मैंने घी डाल के दालचीनी, छोटी इलायची, लौंग डाले हैं, साथ ही जीरा डाला है और 2 सूखी लाल मिर्च डाल दी है, प्याज डाल दिए हैं लंबे स्लाइसिस में कटे हुए। हल्का से इसको सॉटे करेंगे और साथ ही इसमें डाल देंगे हैंडफुल ऑफ काजू। प्याज के ब्राउन होने तक हम इसको अच्छे से पकाएंगे और उसके बाद इसको ठंडा करके हम ग्राइंड करेंगे। उसी पैन में दोबारा से देसी घी लिया है 1 चम्मच, उसमें डालेंगे हम हींग का छौंक और जो हमने प्याज ग्राइंड किया है उसका पेस्ट हम इसमें डाल देंगे। और अलग से 3 टमाटरों को मैंने ग्राइंड करके उसका पेस्ट बना लिया है और वो भी इसमें डाल दिया है। अब डाल देंगे इसमें सीजनिंग, सॉल्ट डाला है, टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर और साथ ही गरम मसाला पाउडर। 5 से 6 मिनट तक अच्छे से हमने इसको कवर करके पकाना है ताकि टमाटर का कच्चापन भी निकल जाए और मसाले सारे अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब यहाँ पे मसाले ने तेल छोड़ दिया है। अब इसमें डाल देंगे हम पनीर के पीसेस और इनको अच्छे से ग्रेवी के साथ मिक्स कर देंगे, साथ ही कवर करके इसे 1 से 1.5 मिनट तक पकने देंगे। दूसरी तरफ हम कोयला रेडी कर लेते हैं। तो कोयला लिया है यहाँ पे मैंने लकड़ी का, उसको अच्छे से हम गरम कर लेंगे। इतना गरम होना चाहिए कि इसमें से अच्छा सा स्मोक आ सके। उसके लिए तकरीबन 4 से 5 मिनट तक आप इसे आग के ऊपर ही रहने दें। कोयला रेडी हो जाए तो सब्जी को थोड़ा अलग करके एक जगह बना लें कटोरी रखने के लिए और उसमें डाल दें कोयला। थोड़ा सा डालेंगे उसमें तेल या घी कुछ भी, उसके बाद इसको अच्छे से कवर कर देंगे ताकि इसका स्मोक बिल्कुल भी बाहर ना निकले। और 5 मिनट तक इसे ऐसे ही बंद रहने दें ताकि स्मोक का फ्लेवर पूरी सब्जी में अच्छे से आ जाए। इसी तरह से कोयले का यूज करके बहुत सारी सब्जियों में हम धुएं का फ्लेवर दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आटा लगा दिया है क्योंकि यहाँ पे होल था तो धुआं बाहर ना निकल पाए। आप बैंगन का भरता बनाना चाहें तो बैंगन का भरता भी इसी तरह से बहुत टेस्टी बनता है। तो 5 मिनट हो चुके हैं और सब्जी रेडी है। मैंने इसे निकाल लिया है सर्विंग बाउल में। गार्निश करेंगे हरे धनिया के साथ और इंजॉय करेंगे रोटी या नान के साथ। और इस वीडियो की लास्ट रेसिपी है अचारी पनीर। ये रेसिपी भी बहुत ही जल्दी बनने वाली है और इसमें मैंने इस्तेमाल किया है मस्टर्ड ऑयल का। मस्टर्ड ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाए तब इसमें डालेंगे हम मेथी सीड्स, राई डाली है, जीरा डाला है थोड़ा सा और साथ ही डाली है कलौंजी, क्योंकि अचारी पनीर है तो इसमें कलौंजी का इस्तेमाल तो होगा ही। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज और इसको सॉटे करेंगे हम अच्छे से, लाइक हल्का सा ब्राउन हो जाए। तो उसके बाद हम इसमें डाल देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ होते हैं और टेस्ट इसका लाजवाब। इसके बाद मैंने डाल दी है इसमें टमाटो प्यूरी और डाला है सॉल्ट, टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर डाला है और साथ ही डाल दिया है सौंफ का पाउडर। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से हमने पकाना है 4 से 5 मिनट के लिए। थोड़ा सा पानी डाल दिया है ताकि मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। ऐसे ऐसे मसाले पकते जाएंगे तो कलौंजी की बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगेगी। 2 चम्मच डाल रही हूँ मैं यहाँ पे अचार का मसाला। किसी भी अचार का मसाला आप ले सकते हैं, अगर रेडीमेड अचार है तो वो भी चलेगा, घर पर बना हुआ अचार है तो उसका मसाला भी आप ऐड कर सकते हैं। तो अचारी पनीर है, अचार का मसाला डाल दिया है, बहुत ही खट्टा और स्पाइसी टेस्ट आएगा। उसके बाद इसमें डाल देंगे हम पनीर, रॉ पनीर ऐड किया है मैंने इसमें। तो ये डिश भी आपकी रेडी है, गार्निश करेंगे हरा धनिया और फ्रेश क्रीम के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स का वेट मुझे हमेशा रहता है। एंड यू कैन आल्सो फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम। मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।